देखो, 1.96 इंटू 10 की घात माइनस 3 अपान 8.854 इंटू 10 की घात माइनस 12 है। इसको हल कैसे करते हैं? पॉइंट के बाद दो अंक है, 10 की घात माइनस 3 अपान, इस पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। इस पॉइंट के बाद दो अंक हैं तो नीचे 100 का गुणा हो जाएगा, और इस पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक, 10 की घात माइनस 3 को 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं, और 10 की घात 3 बराबर मतलब 1000। तो इस ये यहाँ पर 1000, इसका मतलब 1/1000 गुणे 1000, 1000 1000 कट जाएगा ये। ठीक, अब 196/8845 इंटू 10 की घात माइनस 12 और 10 की घात 2, तो जब आधार 10 10 बराबर हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 196.8854 इंटू 10 की घात माइनस 10, 8 की घात माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, 96 इंटू 10 की घात 10। इसको कैसे लिखते हैं? 1/10 की घात 10, 8 की घात ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 8854। अब देखो, 1.96 इंटू 10 की घात माइनस 3 अपान 8.854 इंटू 10 की घात माइनस 12 है। इसको हल कैसे करते हैं? पॉइंट के बाद दो अंक है, 10 की घात माइनस 3 अपान, इस पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। इस पॉइंट के बाद दो अंक हैं तो नीचे 100 का गुणा हो जाएगा, और इस पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक, 10 की घात माइनस 3 को 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं, और 10 की घात 3 बराबर मतलब 1000। तो इस ये यहाँ पर 1000, इसका मतलब 1/1000 गुणे 1000, 1000 1000 कट जाएगा ये। ठीक, अब 196/8845 इंटू 10 की घात माइनस 12 और 10 की घात 2, तो जब आधार 10 10 बराबर हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 196.8854 इंटू 10 की घात माइनस 10, 8 की घात माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, 96 इंटू 10 की घात 10। इसको कैसे लिखते हैं? 1/10 की घात 10, 8 की घात ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 8854। अब